आज सुबह 10:30 बजे लखनऊ में ही रहेंगे और पीएम आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रमों के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को कई सौगात देने जा रहे हैं। पीएम के इस कार्यक्रम को यूपी में अगले साल होने वाले चुनावों से भी जोड़कर अब देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आजादी एट 75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन के साथ ही सह एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। वो एक्सपो में लगाई जा रही 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। नया शहरी भारत नाम की पहली प्रदर्शनी में पिछले 7 सालों में शहरी उपलब्धियों को दिखाया जाएगा। भारतीय आवास प्रौद्योगिकी मेला नाम की दूसरी प्रदर्शनी में घरेलू रूप से विकसित और निर्माण तकनीक सामान और तरीकों को दिखाया जाएगा। वहीं यूपी एट 75 में उत्तर प्रदेश के शहरी परिदृश्य में बदलाव थीम पर आधारित तीसरी प्रदर्शनी में प्रमुख शहरी मिशन और भविष्य के अनुमानों को दिखाया जाएगा। पीएम यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को पीएम शहरी आवास योजना के तहत घरों की चाबियां डिजिटल रूप से सौंपेंगे। इसके साथ ही वो योजना के कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअल बातचीत भी करेंगे। पीएम स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 75 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के 7 शहरों लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और गाजियाबाद के लिए 75 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के पीठ की स्थापना की भी घोषणा करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। आम लोगों के लिए प्रदर्शनी कल और परसों यानी 6 और 7 अक्टूबर 2 दिन खुली रहेगी। ABP News आपको रखे आगे।